जितने भी लोग हैं जिन्होंने चिंटू को अपने बच्चे के रूप में या किसी ने अपने भाई के रूप में या किसी ने अपने दोस्त के रूप में या किसी ने अपने क्रश के रूप में या किसी ने अपने प्यार के रूप में जो जिस भी रूप में मुझे एक्सेप्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि वो रूप जो है वो लाइफ टाइम बना लेते हैं। बिहार में तो जितना प्यार मिला है लोगों का, मतलब वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मिलते ही नहीं पैसे तो डिस्काउंट कहाँ से। अब वो क्या बोले कि सर आप इधर से आना, वो हीरो आता, आप सिगरेट जलाता, हीरो आपके सिगरेट से जलाता। मैंने कहा भागो इधर से। अब आप इमेजिन करिए कि फिल्म रिलीज़ है और थिएटर तक पोस्टर नहीं पहुंचे हैं कि लोगों को पता चले कि फिल्म लगने वाली है, ये फिल्म आज इस डेट पर रिलीज़ हो रही है। मुझे अगर मौका मिले कि एक और बार जन्म का कोई फेरा हो और मुझे चॉइस करने का मौका मिले, चूज़ करने का, तो मैं तो कहूँगा मुझे एक बार फिर से राजकुमार पांडे बना के ही भेजिए। आप जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं उस कार्य के साथ उसका अपना जो भी वंश होता है, जो भी बेटा होता है या उत्तराधिकारी, वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। भाई कि मैं अगर 50 से ज़्यादा फिल्में बनाया हूँ तो उसमें 8-9 पिक्चर वही हैं और जितनी पिक्चरें बाकी की है वो तो दूसरों के बेटे हैं। आप एक एक्टर होते हो, सुपरस्टार होते हो या बाकी, लेकिन घर में हमारे ऐसा कभी माहौल नहीं रहा। हम लोग एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा है, क्या खुराफात चल रहा है, ये भी क्या करने वाली है, या भी क्या बोलने वाली है। वो देख के समझ जाती है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, क्या चल रहा है। अच्छा, आप दोनों ने भी साथ में वैसे पहले इंटरव्यू दिया? हाँ दिए, मतलब सही दिए हैं, लेकिन मतलब अमित वाली बात नहीं थी। अरे पांडे जी का बेटा हूँ, पांडे जी का पापा हूँ। ये बताइए, बाप बेटा दोनों सुपरस्टार हैं, तो आपको ये सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है पांडे जी का बेटा हूँ, या आपको मतलब ये सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है कि चिंटू का पापा हूँ? सबसे खुशी किस में मिलती है? नहीं मतलब खुशी तो मिलती है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप फादर होते हैं, आप अपनी लाइफ में तो बहुत सक्सेस करते ही हैं, लेकिन जब आपका बेटा सक्सेस करता है और आपसे कई गुना ज़्यादा जिस भी फील्ड में हो उसमें होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो प्राउड मोमेंट ज़्यादा है। मुझे लगता है जब वो आदमी कोई फादर बनता है या जिसका बेटा होगा सक्सेस होता है, तभी उसको समझ में आती है कि क्या चीज़ें हैं। और ये बात दोनों पे लागू होता है बेसिकली। आपने तो गाना ही बना दिया पांडे जी का बेटा हूं। अगर पुत्र के लिए ये बहुत बहुत गर्व की बात होती है कि जब कोई एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जब उनके कंधे पर या उनके ऊपर होता है जो लोग उनके नाम से जाने, फिर आप अपना वो ऐसा एक जगह, एक मुकाम बना लो कि दोनों जब उस नाम से जाने जाते हैं, तो इट्स लाइक वाइस वर्सा कि अगर हम दोनों के लिए प्राउड मोमेंट होता है। मेरे लिए तो बट ऑब्वियसली बचपन से रहा है वो, जब भी पापा का जो भी फिल्में आती थी, ब्लॉकबस्टर्स होते थे, तो ऑब्वियसली हम सबको जब घर में हम देखते थे। फिल्में आपकी जो हैं सिल्वर जुबली मूवीज़ रही हैं, कई मतलब कई सारी बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में रही हैं। और दर्शकों का प्यार जिस तरह मिला, मतलब मेरे नाम को जैसे राजकुमार आर पांडे में लिखता हूँ, तो राजकुमार आर पांडे कम आर आर पांडे जी की फिल्म लगी है, आर पांडे जी की फिल्म लगी है, पांडे जी की फिल्म लगी है, राजकुमार आर पांडे जी। तो ये जो मेरे नाम को भी अलग अलग तरह से। एक मैंने किस्सा सुना कि एक बार आपकी फिल्म का पोस्टर भी नहीं छपा था, अगले दिन रिलीज होनी थी। वो क्या था? वो एक फिल्म थी हमारी लहरिया लूटा राजा जी, तो बंगाल में फिल्म रिलीज़ थी पहले। उस समय, ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की बात है ये, तो 2010 में उस समय फिल्में ऑल ओवर इंडिया एक साथ रिलीज़ नहीं होता था, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग स्टेट्स में रिलीज़ होता था। तो बिहार रिलीज़ हो चुका था, काफ़ी बड़ी हिट हो चुकी थी वहाँ पे फिल्म। उसके बाद ये बंगाल में फिल्म रिलीज़ हुई थी और उस समय कुछ पोस्टर्स का कुछ इशू हो गया था। पोस्टर पहुँचा ही नहीं, पोस्टर वहाँ पहुँचा ही नहीं, लेट हो गया जिस दिन रिलीज़ था। अब आप इमेजिन करिए कि फिल्म रिलीज़ है और थिएटर तक पोस्टर नहीं पहुँचे हैं कि लोगों को पता चले कि फिल्म लगने वाली है, ये फिल्म आज इस डेट पर रिलीज़ हो रही है। तो वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने क्या किया कि नहीं, वो बोले कि सर पोस्टर कहाँ है, मैं कैसे रिलीज करूँगा। मैंने कहा भाई अब नहीं पहुँच सकता तो ट्रेन जैसे जाएगी वैसे जा सकती है, हमने तो भेज दिया है। एक काम करो, लिख दो मेरा नाम, दर्शक जो मुझे चाहते हैं वो आ जाएंगे। नहीं हो तो उन्होंने लिख दिया। उन्होंने क्या किया कि एक बैनर उठाया और 6 सीटर जो हमारे यहाँ जो पोस्टर लगता है बाहर पे, उन्होंने उठाया और वो एक स्याही से उन्होंने उठाया और सीधा क्रॉस में लिख दिया कि भाई फिल्म बाय राजकुमार आर पांडे, लहरिया लूटा राजा जी, दैट्स इट। और आप यकीन मानिए कि उसी के नेक्स्ट डे फ्राइडे था, सीधा फिल्म रिलीज थी और सारे शोज हाउसफुल थे। ये हुआ बंगाल में, मयूर सिनेमा, मुझे याद है बंगाल में हुआ, मयूर सिनेमा बिहार में नहीं हुआ। नहीं, बिहार में तो ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी, पोस्टर्स तो पहुंच चुके थे। बिहार में तो जितना प्यार मिला है लोगों का, मतलब वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह हर फिल्म को, जब भी फिल्म आती रही है, मुझे याद है एक फिल्म थी सात सहेलियाँ, उसको लगना था और पता लगा यूएफओ का हमारा कुछ दिक्कत हो गया लोडिंग का। अब सारे परेशान डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लोग ये थे, लेकिन फिल्म जैसे आई और लास्ट तक पोस्टर गया। इवन दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 1 का जो रहा है वो इस लेवल तक का कलेक्शन आया कि मैं मतलब मैं क्या कहूँ जनता का मतलब वो हमारे लिए एक ऐसा था कि सडन शॉक वाला चीज़ था कि भैया सरप्राइजिंग था, शॉक नहीं सरप्राइजिंग था कि ये अचानक से चीज़ हो गया। मेरे लिए भी आज सरप्राइजिंग था, मैं आया तो था सर से मिलने लेकिन ये बोनस में मिल गया। अब मैं 1+1 में आ गया। तो मैंने कहा कि आज ऐसा इंटरव्यू कर लेते हैं कि जहाँ पे दोनों पांडे जी जो है वो एक साथ होंगे। यहाँ कौन सी फिल्म की शूटिंग है? आज हमारी जो फिल्म है अग्नि साक्षी उसकी शूटिंग है और पीछे देख ही रहे हैं कि चल रही है हलचल और हम एकदम कुएं के। और आप सोचिए कि दिसंबर के महीने में हम छठ का जो है वो एक इसमें सीक्वेंस उसको शूट कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में देखना पूरा लाल पीला हो जाएगा माहौल। एक गाना शूट हो रहा था, आप ही ने गाया जी। मैं पिछले एक घंटे से जो है उसी गाने को बार बार सुन रहा था, मेरी जुबान पे भी चढ़ गया वो गाना। तो ये फिल्म का आखिरी दिन है और देखिए आप फिल्म को कंप्लीट करने आए हैं तो ये एबीपी न्यूज़ का जो पूरा टीम है वो हमारी फिल्म को और कंप्लीट करवा दे रही है। तो ये लकी है, ऑब्वियसली लकी है। अच्छा ये बताइए कि पापा की फिल्म जब करते हैं वो डिस्काउंट देते हैं? डिस्काउंट फीस में हाँ। मिलते ही नहीं पैसे तो डिस्काउंट कहाँ से? पैसे नहीं मिलता। नहीं मैंने दिए पैसे भाई, ऐसा नहीं है। अच्छा। इसके पहले वाली पिक्चर हाँ इसका वाला भी नहीं दिया हूँ लेकिन मैं बाकायदा अकाउंटिंग जो होती है वो सही सी बात है कि मान लीजिए जो पैसे गया बाद में तो खर्च हमी को कर लेना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह लगाना है। हाँ लेकिन ऑफिशियली तो पैसा जाता है, जो सपाट बट एक्चुअली जब फिल्म की प्लान होती है तो वाकई में लोगों को शायद लगता भी होगा जीएसटी है, पेमेंट्स है, लोगों को देना है, लोगों को लगता होगा कि शायद ये तो चलो होम प्रोडक्शन है तो आपस में घर का मामला आपस में नहीं। बट पापा का एक पहले रहना चाहिए कि जो मेरा जो फीस होता है जो मैं चार्ज करता हूँ उसको वो एक प्रॉपर एक वो बजट उतना बजट को पकड़ के चलते वो उसको लेके रख देते हैं मेरे अकाउंट में। हाँ। उसको रख देते हैं। वही वो थोड़ा कम करते हो आप या नहीं करते? हाँ वो थोड़ा कम करते हो पापा के लिए? नहीं खुद से डिसाइड कर लेते हैं पापा। अच्छा फिर कि मेरे को कितना कम करना चाहिए? पापा कभी कम नहीं करेंगे, पापा तो चाहेंगे मेरा बेटा अगर मतलब इतने लेता है तो वो एक्स्ट्रा ही देते हो। और जब भी फिल्में बनाई हैं और सभी एक्टरों के साथ काम किए हैं, लगभग एक्टर स्टैब्लिश हुए, मेरी फिल्मों से बड़ा स्टारडम भी उनको सबको मिला, उनकी अपनी भी मेहनत रही और मेरा साथ और प्यार सबके साथ। तो उनके भी फीस हमने उनके जो टाइम के फीस रहे बाकायदा पूरी फीस गई है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कटौती करूँ या उनको बोलूँ नहीं भाई कम पैसे ले लो, वो मुझे बहुत नहीं अच्छा लगता है। एक आध बार पूछ लूँगा कि भाई इतने में कंफर्टेबल हो? नहीं सर इतना, हाँ ठीक है भाई चलो, काम करना है वो बहुत ज़रूरी है, जो रोल में कॉन्सेप्ट में जमता है उसको आप। अच्छा ये बताइए किसी ने आपसे कहा है कि आप इनके बड़े भाई ज्यादा लगते हैं पापा ने? बहुत लोग सभी कहते हैं। अब तो मैं सेट पे आया तो मैं ढूंढ रहा था, अच्छा आपका नाम बहुत सुना है कि तो मुझे लगा इतने सीनियर फिल्म मेकर हैं तो कोई बुजुर्ग शख्स जो हैं वो दिखेंगे तो मैं सेट पे पूरा मैं ढूंढता रहा, मुझे कोई नहीं दिखा। फिर ऐसे मेरे साथ कई बार वाकया हुआ है। एक एक्ट्रेस मेरे पास आई, वो बेचारी नई लड़की थी, तो मुझे फ़ोन की कि सर मुझे मिलना। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाना। तो आई, अब वो बैठी तो वो मैं बोला, मैंने कहा बोलो, तो हाँ सर ये वो बड़े संकोच में। मैंने कहा क्या बात है, मतलब क्या करना चाह रहे हो, तो तुमने कुछ कोर्स वगैरह किया है? तो ये बातें मुझसे करें उससे पहले मेरे फ़ोन को उसने डायल किया, तो मैंने कहा तुम मुझे फ़ोन लगा रही हो? तो बोली सॉरी सर दरअसल मैं ये चेक कर रही थी कि वो आप ही है कि नहीं। आज तो फिर भी अभी शूट चल रहा कंटिन्यू, ये मैं भी चेक कर रहा था नहीं, लेकिन फिर हम मिल गए और मतलब तो मैंने कहा इमेजिन क्या किया था तुमने? तो बोले नहीं जिस तरह आप बात करते हो ये, तो मुझे लगा था कोई कैप वैप वाला कोई मोटा तगड़ा आदमी होगा। एंड अभी तो आई टेल यू व्हाट, अभी तो दाढ़ी फिर भी शूट चल रहा है, रखा हुआ है और मैं बोलता हूँ कि आप दाढ़ी रखा करो, तो ये मेनी टाइम्स व्हाट ही डज कि ये अपना दाढ़ी शेव कर लेते हैं। बट ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर हम दोनों को आप देखिए फिर तो आप कोई और हर कोई यही कॉम्प्लीमेंट देता है कि एकदम बड़े भाई छोटे भाई। भाई बेटा बड़ा हो गया, हम थोड़ी बूढ़े हो गए हैं। ये बात आपने कही है, मतलब बेटा बड़ा हो गया, हम थोड़ी बूढ़े हो गए और क्या। अच्छा किसी फिल्म में कुछ ऐसा कि इनके भाई का रोल करने का कोई प्लान है? कुछ नहीं करने आप? करना नहीं, लेकिन अभी 30 को एक पिक्चर रिलीज हो रही है 30 दिसंबर। तो मुझे जो है एक साउथ के डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने, साउथ इंडियन लोग हैं, उन्होंने फिल्म बनाई है इनको लेकर। अच्छा। राउडी रॉकी पूरी टीम साउथ की, तो साउथ की है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर एक रोल है आपको करना है, वो डायरेक्टर का ही रोल है। तो जितनी भी फिल्में जब यहाँ बनती हैं हमारे यहाँ, तो किसी अगर निर्देशक का रोल हो या कभी अवार्ड वगैरह देना हो या इस तरह का, तो मेरे जितने भी मतलब इंडस्ट्री के लोग भी वो प्यार करते हैं, वो मुझे बुलाते हैं कि अरे सर आप, तो मैं भी बड़े इनोसेंटली हाँ ठीक है भाई मैं आता हूँ कर देता हूँ। तो एक आध सीन हो, राउडी रॉकी में आप हैं? हाँ तो ये भी है। मैं उसमें किया लेकिन डायरेक्टर के रोल में, मैं डायरेक्टर के रोल में। लेकिन मजे की बात क्या है, वो डायरेक्टर आके मुझे सीन समझा रहे हैं कि सर वो ऐसा है कि वो हीरो जो है उतरता है और आप सिगरेट पीते हो, सिगार पीते हो, उस फिल्म में ये अच्छा ये तो बहुत मतलब एक बोला जाए तो बहुत ऑकवर्ड सा भी मूवमेंट आप उसको बोल सकते हैं। मैं उस फिल्म में दरअसल थोड़ा राउडी रॉकी जैसा कि आपको नाम से उसके शीर्षक से समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा बड़ा टेढ़ा टाइप का राउडीनेस टाइप का होगा, थोड़ा एंटी कैरेक्टर है वो, विलन काइंड ऑफ ए कैरेक्टर ही है। तो वो उसका इंट्रोडक्शन ही होता है कि वो जेल पुलिस वैन से उतर रहा है, हथकड़ी लगा हुआ है, हैंडकप्स के साथ, हथकड़ियों के साथ, और सीधा ढाबे के किनारे जो पान का जो दुकान होता है उसमें जाता है, सबसे पहले सिगार मांगता है वो और सिगार लेके आता है। आप बाकी पापा बताएंगे। हाँ तो अच्छा, और मैं लोकेशन की तलाश में मेरे राइटर के साथ संजय मानंदा मेरे साथ था, तो हम लोग दोनों गए हैं, मतलब राइटर डायरेक्टर के हमें लोकेशन ढूंढना है और कोई ऐसा किरदार, तो जिस किरदार को मैं सोच रहा होता हूँ वो हीरो उसी तरह उतरता है। अब वो क्या बोले कि सर आप इधर से आना, वो हीरो आता, आप सिगरेट जलाता, हीरो आपके सिगरेट से जलाता, मैंने कहा भागो इधर से। मतलब कि आप सिगरेट लेके आप अपने सिगरेट जलाइए और फिर जो उनका जो सिगार है फिर आप अपना सिगरेट उनको दीजिए कि वो अपना सिगार लाइट करे। पापा ने नहीं, मैंने कहा एक तो मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, हाँ, दूसरी मेरा जो अपना भोजपुरी कल्चर है वहाँ बाप बेटे के बीच में, भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा बाउंडिंग रहता है। तो मैं ये दुनिया को मैसेज दूँ भी नकली करके कि मेरे सिगरेट से मेरा बेटा जला रहा है, भाई रोल भले कर रहे हैं वो अपना उसमें ऐसा भले एक्टिंग है बट नहीं, बट है तो सिनेमा संदेश तो देता है। तो मैंने कहा लेट हिम टू, उनको पीने दो ना मुझे। अच्छा उसके बाद का जो सीक्वेंस उसके बाद भी मतलब ये तो ठीक था, तो था ही, तो पापा ने बोल के, और वो चीज़ें तो ऑब्वियसली नहीं होना था। लेकिन उसके बाद भी मुझे ना अब जब ये पूछ रहे हैं तो मैं वो सिगार जला रहा हूँ और मैं धुआं फूक रहा हूँ और मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, बट वो मुझे ऐसा करने में इतना ऑब्वियसली वो एक देखिए पापा जब भी सेट पे होते हैं या मैं पापा के साथ जब भी काम करता हूँ तो मैं एक्चुअली सच में बताऊँ मैं सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट बंदा अपने आप को महसूस करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं केयर सबसे ज़्यादा पैम्पर वाला फील करता हूँ। मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता है। अब सुबह ऐसा कोई ये नहीं कि इतने ही बजे जाना है, मैं अपने कभी कभी डांट भी सुन लेता हूँ थोड़ा इस चीज़ से कि अरे उठो यार चलो 7 बजे का शिफ्ट है, कहाँ अब तो 8 बज गया 9 बज गया। तो वो एक कोई फिक्र कोई कुछ नहीं होता, अपना होता है, जैसे नहीं बोलते कि भाई मेरे पापा का ही राज है यार अपना ही। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं अभी आप वॉशरूम गए थे सेट के बीच में, हाँ, शूट के बीच में, हाँ, बुला रहे थे वो तो बोल रहे थे अरे बुला उसको कहाँ गया, हाँ, मैं समझ गया, मैं आगे आने वाला था, ऐसा मैं सोचता हूं। वो नॉर्मल जैसे किसी और एक्टर को बुलाएंगे वैसे ही कह रहे थे अरे बुला उसको कहाँ गया, नहीं वो यही मैं बोलने वाला था, उस टॉपिक पे मैं आने वाला था कि मैं सोचता हूँ ऐसा कि अपने पापा का ही राज है, लेकिन वो राज जो है ना जैसे ही वो घड़ी का काटा उस शिफ्ट का टाइम बचता है उसके बाद तो सीधा जो आना क्या है तो कोई भी हो भाई आज को लाज कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई क्या उसको बोलते हैं कि कोई मरोवत नहीं है, कोई छूट नहीं है। हालांकि जब किसी ने बताया वॉशरूम में है तो इन्होंने बताया वॉशरूम में आ रहा है, वही वॉशरूम जैसे जैसे बाकी एक्टर के लिए वो जो है वो मतलब देखिए जब आप सेट पर हो तो चाहे वो अपना बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, कोई भी हीरो हो तो होते तो हैं भाई, है तो एक्टर ही है आदमी, तो बाउंडिंग मेरा एक्चुअली सबके साथ भी ऐसी रहा हुआ है और ये कारण रहा है कि हाँ डेफिनेटली एक बात है कि बाप बेटे होते हैं तो एक बात को बहुत इशारे से आप समझ जाते हो, ये चीज़ें हैं वो डेफिनेटली उसको शब्दों में नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर आप दूसरे एक्टरों के साथ भी काम करते हो तो वो लोग भी इतना समझते हो और बहुत प्यार से लोगों ने इतनी फिल्में की है और मतलब बहुत मज़ा आया है। मतलब मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मुझे अगर मौका मिले कि एक और बार जन्म का कोई फेरा हो और मुझे चॉइस करने का मौका मिले, चूज़ करने का, तो मैं तो कहूँगा मुझे एक बार फिर से राजकुमार पांडे बना के ही भेजिए आप और इसी फील्ड में भेजिए आप। तो मैं इतना अपने कैरियर, अपनी चीज़ों और अपने जनता, अपने लोगों से, सिनेमा से, परिवार से मैं इतना खुश हूँ और इंडस्ट्री से मुझे कोई। अच्छा इन्होंने जब आपसे कहा कि मुझे हीरो बनना है, हाँ, इन्होंने कहा था या आपका आइडिया था, क्या क्या था वो मतलब वो, क्योंकि अब आप साथ में हैं तो इन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मुझे हीरो बनना है। अच्छा इनको बनना क्या था? इनको क्रिकेटर बनना था और पढ़ने में बहुत तेज थे। हाँ ये मुझे पता ही नहीं था कि अपने स्कूल में भी जब जिसमें संजीवियस में पढ़ रहे थे तो ड्रम वगैरह का और अपने क्लास के स्कॉलर हमेशा रहे हैं ये। तो मैं अचानक एक दिन मैं गया ना तो देखा तो पूरे ड्रम बच्चे लोग पूरा बजा रहे और इनको देकर तो मैंने ये कब से सीख लिया। तो चिंटू के साथ ये बहुत अच्छा रहा है कि जैसे एक फिल्म थी वही लहरिया लूटा राजा जी में, तो बाइक का सीन है जिसमें मनोज को रवि जी और मनोज के बीच में फाइट हो तो रवि जी मारते हैं उनको, तो उठा के लाना है तो लड़का आता है तो मैंने कहा चिंटू कहाँ चला पाएंगे, लाओ बाइक पर से ख़राब हो गई होगी ऐसा लेके जा रहा और एक आदमी दिखा इंजर्ड पड़ा हुआ तो उठा लेना। तो देखा फर्र करके बाइक लगा, अरे मैंने कहा तुमने कब सीख लिया बाइक चलाना, अब गिर जाओगे। तोलाने में चलाना आता है। ये दुनिया के मोस्टली पिताओं को नहीं पता होता क्योंकि बच्चों को बाइक चलाना सीरियसली ये फैक्ट है। मेरे भी जब मैंने चलाई थी तो हमारे एक पड़ोसी थे, उनकी बाइक थी, तो ऐसी मैंने चाबी देखी, मैं लेके निकल लिया। अच्छा उस वक्त बाइक लगानी भी नहीं आती थी, तो जैसे मम्मी ने देखा मैंने ऐसे ही छोड़ के नीचे गिरा दी। ऐसे गाड़ी चलाना, ऐसे ट्रक ड्राइवर फिल्म बनाई तो ट्रक ड्राइवर में देखा वो ट्रैक्टर चलाता, अरे मैंने कहा भाई क्या क्या चलाना है, वो ट्रक वर्क चला रहे। तो ये तो खैर है कि जब मैंने कहा एक ही चीज़ बचा है बेटा, चॉपर पर उड़ाना, वो भी पता लगा किसी सीन में उड़ाते ही दिख रहा है, तो वो तो है खैर। और ये एक्टर की खुद की भी जो उसकी अपनी भी चीज़ें होती है, उसका अपना इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और तभी शायद एक एक्टर एक हीरो अलग से निकल के आता है, ये है। तो बनना था क्रिकेटर, वो हम लोग एक फिल्म बना रहे थे दीवाना, उसमें एक बच्चे का किरदार था, तो कुछ 20-22 बच्चों को हम लोगों ने देखा, तो कोई समझ में नहीं आ रहे थे मतलब कैसे करना है। तो हमारे प्रोड्यूसर मेरे घर पे आए थे, तो ये स्कूल से आए, तो बोले सर चिंटू बाबू से करा देते हैं। तो मैंने कहा कहाँ कराओगे, फंसा देगा पिक्चर तो पूरी होगी नहीं। ऐसा क्यों सोचा? हमने कहा अरे घर का पता लगा वो पप्पा आ करके घर काम ही नहीं किया तो कैसे करेंगे। तो अब अच्छा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, तो बोले मैंने कहा अच्छा करोगे, कर दूंगा। तो मैंने कहा भाई एहसान ना करो, करना है तो करो। तो खैर हम लोग शूटिंग करते थे, इनका एग्ज़ाम चल रहा था, मुझे लगा जो भी 7-8 का जो भी एग्ज़ाम रहा होगा, तो एग्ज़ाम दे के आते थे, दोपहर के बाद इनका सीन रखे, वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई। और उसमें लोगों ने देखा, प्रोड्यूसर जो फिर एक और फिल्म बनानी थी देवरा बड़ा सतावेला, उसके प्रोड्यूसर चिंटू था हाँ। तो नहीं तो दीवाना बहुत बड़ी हिट हुई, तो दीवाना के हिट होने के बाद एक स्टेशन है मतलब सिनेमा हॉल है बरगनिया, तो वहाँ जहाँ कुछ 50,000 40,000 का कलेक्शन, वहाँ 5.5 लाख का कलेक्शन हुआ उस सिनेमा हॉल दीवाना का तो उन लोगों को एक फिल्म बनानी थी देवरा बड़ा सतावेला, तो वो लोग बोले कि वो लड़का पहले मतलब सेलेक्ट करो, जो लड़का दीवाना में उसको लेकर आओ, वो जब आता तो सीटी बहुत बचती। वो मेरे पास आए पहली बार, तब इनको पहले चिंटू को फाइनल किया, फिर हमने कहा खाली चिंटू से तो पिक्चर नहीं बनेगी, फिर पवन नया था, पवन को रखे, फिर रवि जी को, फिर तीनों भाइयों के, और पिक्चर सिल्वर जुबली हो गई। वो वहाँ से चिंटू घर घर में फेमस हो गए। तो हमारी मजबूरी हो गई चिंटू को अपनी किसी भी फिल्म में रखने का कि भाई चलो चिंटू को पिक्चर में भले 4-5 सीन ही करा दो तो पिक्चर दर्शक और बढ़ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे निक नेम होता है, चिंटू आपका निक नेम है, ठीक है, अभी आप स्टार बन गए, ठीक है, तो अभी भी प्रदीप पांडे लोग नहीं कहते, चिंटू चिंटू कहते हैं, तो कैसा लगता है? आई लव इट, आई सीरियसली यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका रीज़न है क्या होता है कि जब जैसे शुरुआती दौर में आपको जिस रूप में आपको लोग देखते हैं, शुरुआती दौर ही एक ऐसा होता है किसी भी कलाकार के लिए, जब लोग अगर आपसे आवाम जुड़ती है, अगर आपसे दर्शक जुड़ते हैं, तो वही एक दौर होता है जो जब लोग आपसे दिल से कनेक्ट होते हैं, जब आपसे उनको लगाव होता है, तभी कोई भी दर्शक आपसे जुड़ेगा या आपसे कनेक्ट करेगा अपने आप को, आपको प्यार करेगा, आपको चाहेगा, आपको देखना चाहेगा, आपको पसंद करेगा। तो वो जो लगाव होता है ना, एक समय के बाद आप मांग करेंगे, आप बचपन में आप जो भी आपके फेवरेट एक्टर्स होंगे, आपको एक समय के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको वो एक्टर में बहुत मैच्योरिटी दिखने लगता है, और फिर आपको वो वाली बात नहीं लगती जो आप उसमें जो एक पहला जो आप आपसी जो लगाव, जो आत्मीय जो संबंध जो आप जोड़ते हो उनके साथ, वो फिर आपको अचानक से एक मैच्योर लेवल पे वो चले जाता है। वो बात मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ ना जाए, जीवन भर ना जाए। जो चिंटू को लोगों ने जो अपने घर में, जो अपने परिवार में जो बसाया, जो देवरा बड़ा सतावेला में जितनी मेरी जो भौजी हैं, हमारी भाभियाँ हैं बिहार यूपी बिहार की, जो मेरी माताएँ बहनें हैं, जो चाचा नाना माई मौसी जितने भी लोग हैं जिन्होंने चिंटू को अपने बच्चे के रूप में, या किसी ने अपने भाई के रूप में, या किसी ने अपने दोस्त के रूप में, या किसी ने अपने क्रश के रूप में, या किसी ने अपने प्यार के रूप में, जो जिस भी रूप में मुझे एक्सेप्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि वो रूप जो है वो लाइफ टाइम बना रहे, और मैं इसी कोशिश करता हूँ कि मैं चिंटू ही बना रहा हूँ। वो कभी वो वाली बात या वो वाली चीज़ें ना आने दूँ, और वो आज तक प्रयास किया हूँ कि बहुत ज़्यादा वो हैवीनेस या मैच्योरिटी लेवल ना आने दूँ, क्योंकि आप तभी ज़िंदा हो जब आपके अंदर का बचपना ज़िंदा है, आपके अंदर का वो बच्चा ज़िंदा है, और वो बचपना बोलते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, वो लाइफ टाइम रहना चाहिए। और ये नाम मेरे पिताजी का दिया हुआ था, अच्छा, मेरे दादाजी का। हाँ, पिताजी जब छोटे से थे तो पहले बच्चा घर में ये थे, तो चिंटू चिंटू मतलब बुलाना शुरू हुए। तो वो ये भी है ना कि हम उसको क्यों करें, पिताजी तो जब चिंटू बोलते ही उनका स्मरण आता है। अब तो इस दुनिया में नहीं है वो, लास्ट मतलब 2 साल हो गया वो तो, लेकिन वो चीज़ें आती हैं कि एक आप आपकी बाउंडिंग, आपकी चीज़ें जो एक छाप बना रह जाता है आपके कुछ दर कुछ। मैं आपको बताऊं, जब मुझे पहले जब भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में उतना नहीं पता था, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, मतलब आपसे डिस्कस करूँगा या किसी तो पता चलेगा। तो मैंने जब इनका इंटरव्यू किया या इनका इंटरव्यू मैं करने जा रहा था तो मुझसे एक जो हमारे बिहार डेस्क पे हैं तो उन्होंने पूछा किसका इंटरव्यू है, तो मैंने बताया कि प्रदीप पांडे। कौन प्रदीप? मैं कहा चिंटू। अच्छा चिंटू, अरे हाँ। तो अरे वो प्रदीप पांडे से नहीं पहचाने, तो चिंटू जैसी मैंने बोला पहचान। अरे मैंने कहा कितने बड़े स्टार है, बोले आज के दौर में तो वही है। तो ये फीडबैक मुझे वहां से मिला, मुझे नहीं पता था, मुझे अंदाजा नहीं था। फिर मेरी आपसे बातचीत भी हुई। आपने ये किया, मैंने एक फिल्म बनाई थी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, वो उसमें एबीपी न्यूज का ब्रांडिंग था, बाकायदा मैंने लोगो, हमारे मीडिया पार्टनर ऑफिशियली, और हमारे टीजर वाला टीजर भी चला गया था। तो मैं बताऊंगा कि एबीपी न्यूज इवन हमारे लिए इतना लकी रहा कि वो फिल्म बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हुई उस साल की। और उसका पार्ट 2 भी मैंने बनाया, हालांकि उसमें गुंजाइश नहीं था, लेकिन जब भी पार्ट 3 बनाएंगे मैं चाहूंगा फिर से हम लोगों का वो राजकुमार और पांडे, प्रदीप पांडे चिंटू और एबीपी न्यूज का जो एक कंबाइंड जो टिकड़ी है वो इतना बड़ा हमको पॉपुलर फिल्म को पॉपुलरिटी दी, तो वो नेक्स्ट टाइम भी बना रहेगा। बॉलीवुड में नेपोटिज्म वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है, बट भोजपुरी में या रीजनल में हम उतना नहीं सुनते। साउथ में भी फिल्म फैमिलीज हैं, बड़ी बड़ी फिल्म है, एक फैमिली में 8-8 सुपरस्टार हैं, सबकी अपनी फॉलोइंग है, आप या आपके बेटे आए, लेकिन कभी नेपोटिज्म जैसा वर्ड हमने नहीं सुना। तो इसका क्या रीज़न आपको लगता है कि मतलब एक जगह है वहाँ पे और यहाँ पे बेटा भी आया तो वो भी, मतलब अब मैं क्या कहूँ कि पिताजी जितना कामयाब अभी नहीं हुआ, शायद अभी लेवल अभी बहुत ऊपर है, तो ये वजह क्यों नेपोटिज्म वर्ड जो है वो बॉलीवुड से जुड़ता है और आपकी इंडस्ट्री से उतना नहीं जुड़ता? उसका कारण है क्योंकि वहाँ वो ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं। जैसे मतलब अगर एक कार्य एक आदमी कर रहा है, एक अगर एक्टर है तो उस एक्टर का बेटा एक्टर ही हो, और स्पेशली करते हैं। और लेकिन मुझे लगता है इसमें ख़राब क्या है भाई, अगर कोई किसान है या कोई डॉक्टर है, आप देखिए जो जजेस होते हैं उनके घरों में मैक्सिमम बाद में जज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ाई करते हैं, तो कौन से ऐसी विधा है जिसमें पढ़ाई नहीं करी जाती है? ये तो है नहीं कि आप अचानक बोले आप किसी निर्माता के बेटे और अचानक आप हीरो बन गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, या किसी हीरो, मेहनत तो उतनी करनी पड़ती। जैसे सोनार का बेटा होगा तो जो बचपन से सोना उसने देखना सीखा, उसने हाथ में लेगा और बता देगा इतना वजन इसका है, वो करते करते, चूँकि जब आपकी सराउंडिंग चीज़ें होती है ना उसमें ज़्यादा, और कौन सा दुकान, मान लीजिए बनिए का दुकान है, तो क्या वो नेपोटिज्म नहीं है? बनिया अपना दुकान कौन सा दूसरे आदमी को उसका नाम लिख देता, अपने बेटे का नाम नहीं लिखता। जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं उस कार्य के साथ उसका अपना जो भी वंश होता है, जो भी बेटा होता है या उत्तराधिकारी, वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। भाई मान लीजिए मैं शूटिंग कर रहा हूँ या कोई भी कर रहा है, अब मैं शूटिंग छोड़ के दूसरे उसमें तो नहीं लेके जा सकता हूँ। जैसे अभी मेरी एक बेटी है, वो मेडिकल कर रही है, डॉक्टर बन रही है, एक है IAS की तैयारी कर रही है, ये तो हमने पकड़ के एक्टर नहीं बनाया, मतलब हाँ इनको आना ही नहीं था भाई। एक हमारे निर्माता बोले, धीरे धीरे करते करते, और दर्शकों ने बनाया। एक चीज़ याद रखिए, जो जितने स्टार्स एक्टर बनते हैं ना वो खुद तो मेहनत करते हैं, उनको बनाते सिर्फ दर्शक हैं। ये तो है। अगर दर्शक लाइक ना करें, दर्शक उनकी मूवमेंट्स को पसंद ना करें, उनके काम को पसंद ना करें, तो कोई कैसे बनेगा? ऐसा नहीं होता है। तो शुरू बॉलीवुड में इसलिए क्योंकि जबरदस्ती फंडिंग है, पैसा वहाँ होता है। हमारे यहाँ भी इतना फंड थोड़ी, हमारे यहाँ बेचारे एक दिन के अंदर वहीं रिहर्सल करना है, वहीं गाना करना है, तो ये तो पसीने से बने हैं। ऊपर से अपने बेटे को, अपने नालायक बेटे को लेके फिल्म का नाश नहीं कर सकते, टैलेंट है तो ही लेंगे। दूसरी बात मेरे साथ इसलिए और भी लागू नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अगर 50 से ज़्यादा फिल्में बनाया हूँ तो उसमें 8-9 ही पिक्चर ये हैं, और जितनी पिक्चर बाकी की है वो तो दूसरों के बेटे हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जब उनकी बाहर के निर्देशक वाली फिल्में सक्सेसफुल होती हैं, आपको तब ज्यादा खुशी होती है या अपने वाली? ज्यादा। मैं तो 3-4 साल में मुझे 2 पिक्चर बनाई और 4-2 पिक्चर दूसरे एक्टर है उसमें, दूसरे एक्टर को मैंने लेकर फिल्में बनाई, इनके पास डेट नहीं था तो पिताजी के लिए भी डेट नहीं था, इन्होंने नहीं दिया। नहीं आप करो, उन्होंने नहीं दिया, वो क्या नहीं, मैंने मुझे बनानी दूसरे एक्टरों के साथ भी बनाई और ये भी बिजी थे। कभी ऐसा होता है कि इन्होंने किसी और एक्टर को ले लिया, बेटा तुम शूट नहीं करोगे, तो कहीं मन में नहीं, इनका कभी नहीं, बल्कि इवन मैं आपको मतलब मैं ट्राई तो करता या ऑडिशन तो देता। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फिल्म थी हमारी नागिन, तो नागिन फिल्म में सोचे कि मैं तो घर पे मैं घर पे ही था और मैं फ्री भी था, बट वो जो उसको जो सूटेबल था या उसको जो पापा का जो डिसीजन था अपना, तो हर फिल्म का एक अपना एक्टर होता है, हर फिल्म के हिसाब से उस फिल्म का एक बाउंड्री तैयार होता है, खाका तैयार होता है उस एक्टर को सोचकर। उस अगर आपके पास जैसे आप एक फिल्म का स्क्रिप्ट आया कि ये फिल्म का स्क्रिप्ट और आपको बहुत अच्छा लग गया वो फिल्म का स्क्रिप्ट, अब आपको लगना है कि इस फिल्म स्क्रिप्ट में बहुत देसी पना है तो हमें कोई बहुत देसी बंदा चाहिए, इस फिल्म में बहुत अर्बनाइज्ड है तो हमें बहुत स्टाइलिश बंदा चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से ही, और बस वही बात है। बाकी इवन अभी एक स्क्रिप्ट हम लोगों ने फाइनल की, राइटर ने सुना बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, तो जैसे सुने हम लोगों ने कहा, इन्होंने कहा कि ये किसी और से पर्टिकुलर एक एक्टर का नाम लिया गया कि उससे कराएंगे वो ज़्यादा अच्छा करेगा, वो उसके लायक रोल है। कई बार हमारे पास आता है, कई बार मेरे पास ऐसी स्क्रिप्टें आती हैं जो मेरे एज के बहुत बियॉन्ड की फिल्में होती है। हाँ। जैसे पापा ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, प्रदीप सिंह जी ने प्रोड्यूस की थी, खून भरी मांग। उसके जो प्रोड्यूसर है प्रदीप सिंह जी, वो मुझे लगातार बोलते रहे उस फिल्म के लिए, लगातार कि ये फिल्म कर लो बेटा, ये फिल्म कर लीजिए बेटा। मैंने वो फिल्म नहीं की, नहीं करने का रीज़न कोई और नहीं था, उसका एक ही रीज़न था क्योंकि वो बहुत बियॉन्ड द मैच्योर कैरेक्टर था वो, कि जहाँ पे तीन हमारी जो अभिनेत्रियाँ हैं बहुत ही सीनियर अभिनेत्री और बहुत दमदार उनका परफॉर्मेंस मतलब कैरेक्टर था उसमें, और उन तीनों को सेफगार्ड करता है एक लड़का। अब मेरे ऐसा टीनेज बॉय आके, कम उम्र का लड़का आके उनको सेफगार्ड कर रहा है, वो ज़बरदस्ती का शहंशाह क्यों बनना भाई। उस टाइम छोटे भी थे, उस वक्त एज भी मेरी बहुत कम थी, तो ज़बरदस्ती का आप कोई चीज़ को हथियाओ या करो वो मतलब नहीं। अच्छा, आपने तमाम तरह की फिल्में बनाई हैं, मतलब 50-60, जिसमें से बहुत सुपर हिट भी रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कई दौर रहे, एक रवि किशन वाला था, फिर एक और आया, फिर अब पवन सिंह के गाने आते हैं, खेसारी के गाने आते हैं। तो ये जो दौर चल रहा है, आपको लगता है कि भोजपुरी के पास जितना दर्शक है उस हिसाब से इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं हो पाई? बिल्कुल सही बात है, और मैं बताऊं ये दौर शुरू ही हुआ हमारी फिल्मों के साथ। मोहन जी इक्का दुक्का फिल्में बनाते थे जिसमें रवि जी को लेकर उन्होंने बनाई थी। उसके बाद जो सेकेंड दौर की शुरुआत हुई वो मैंने बनाई फिल्म, और सुधाकर पांडे जी हमारे अब नहीं रहे जिन्होंने बनाई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म। तो ये दौर जब से शुरू हुआ तब से रेगुलर मैं बनाता रहा हूँ और दर्शकों का प्यार रहा, हर साल बड़ी हिट फिल्में रही हैं, बनती रही हैं। लेकिन जिस उफान से हम लोग लेकर आए और जहाँ शुरू हुई, मतलब जिस सेकंड दौर जो इसका बना, वो कहीं ना कहीं अफसोस तो है कि हम फिर से हमारे जैसे यही कह सकते ना कि जिस ABCD से हमारे क्लास की शुरुआत हुई थी और कई टीचरों ने मिलके कई मतलब जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर से 3-4 को स्कॉलर बना के भी खड़ा कर दिया, लेकिन वो स्कॉलर बनने के बाद एक प्रॉपर आप पास आउट हो जाते हो क्लास को, उसके बाद फिर से जाके आप ABCD में लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ABCD भूल जाना है, उसके बगैर तो कोई भी आगे का सेंटेंस ही पूरा नहीं होगा, लेकिन उस ABCD को प्रॉपर सेंटेंस में प्रेजेंट करना है। जब ब्रॉड इंडस्ट्री तभी हो सकती है जब फिल्में बड़ी होंगी, प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, हम आपस के द्वंद्वता को लेकर, आपस की चीज़ों को लेकर, पर्टिकुलर एक गाने या चीज़ों को लेकर वो लड़ाइयाँ या झगड़े या कंपटीशन छोड़ के आपस में लड़ने से बेहतर है कि बाहर से लड़ो, अपनी इंडस्ट्री को ब्रॉड करके दूसरे इंडस्ट्री से लड़ो कि देखो जी तुमने ये फिल्म बनाई है, हमने बनाई है। ये ताजुब की बात है कि मैं आपको बताऊं, देखिए सिनेमा इंडस्ट्री बेसिकली और कभी भी कोई भी इंडस्ट्री, जैसे हमने हम सिनेमा की बात करेंगे तो भोजपुरी सिनेमा की जो सबसे बड़ी ताजुब की बात ये है जिसका हम क्या बोला जाए कि आप सिनेमा को लेकर लड़ें तो अच्छा लगेगा। आप आपस में लड़ रहे हैं? हाँ नहीं, आप उस चीज़ को लेकर लड़ रहे हो जो सिनेमा से, जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, और सबसे मज़े की बात आती है, अगर आप हंसोगे, मैं पहली बार एक बात बोल रहा हूँ कि कुछ एक्टर भी हमारे इतने पता नहीं, वो भगवान जाने उनको लगता है कि शायद इसके बाद ये उम्र भी जो लेकर आए हैं वो शायद 2-4 हज़ार साल का होगा कुछ इसमें ढलान, कुछ उसमें नहीं होने वाली है। वो इतने मतलब कि वो उनको लगता है कि अगर मैंने इंटरव्यू में किसी का नाम भी बोल दिया तो अरे जिसको जितना चलना है, छोटा सिंगर भी आज गाना गा दे रहा है, उसका भी 50 मिलियन 100 मिलियन हो जा रहा है। वायरल होने गाने का क्या मतलब है? कोई चटकार 2 लाइन गा देगा, मिलियंस का जो खेला है वो कोई भी इतना सा बच्चा अदना बच्चा गा दिया, बचपन का प्यार मेरे भूला नहीं, भूल नहीं जाना। और उसके बाद जो है वो देखिए आप ब्लॉकबस्टरों का, पूरी दुनिया ने उस गाने को गाया, इवन विदेशों ने गाया। ये खेला छोड़ के अगर हम फिल्मी खेला खेलेंगे, फिल्मों को ब्रॉड बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो ये बड़ा, इसको बड़ा करना है, तब भाषा का विस्तार और ज़्यादा होगा, तब लोग इसको और ज़्यादा लाइक करेंगे, तब हम चलें आगे और पीछे लोग बने कि नहीं। जैसे मैं कोई भी फिल्म शूट करता हूँ तो मेरी जैसे पंजाबी गाने देखिए क्यों बड़े बड़े हो गए। पंजाब में कोई फेस्टिवल्स बड़े नहीं थे, वही खिचड़ी वही लोहड़ी है, लेकिन उन्होंने अपने फेस्टिवल को फिल्मों में बड़ा दिखाया। राइट, वो दिखाने की जगह हम बजाय कि उस चीज़ों को लेकर, तो जब ये सारी चीज़ें होगी तब ब्रॉड होगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी कोई समय बहुत नहीं चला गया, मेहनत करना है, वर्सटाइलिटी लेकर आना है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं ये नहीं जान पाया, ये नहीं सीखा, ये नहीं पढ़ा, तो अभी भी पढ़ लो। लोग तो 80 साल में भी नॉवेल लेके पढ़ते रहते हैं, क्यों नहीं पढ़ना? जानकारी रखो। आप फिल्म को रिप्रेजेंट करते हो, एक्टरों के, इन लोगों के कंधे पर सिनेमा, और सिनेमा हमारा जो संस्कार है, हमारा समाज जो है, वो दो चार जो एक्टर होते हैं उनके कंधे पर होता है, या इवन जिस लेवल तक जो भी बच्चा काम कर रहा है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर छोटे स्तर से भी किसी एक कलाकार ने शुरुआत की, उसका अपना भी योगदान होता है, तो वो होना चाहिए। फिल्म को ब्रॉड करना, इंडस्ट्री को ब्रॉड करना। एक चीज़ और रहती है भोजपुरी के साथ, जो मतलब मैंने जितने इंटरव्यूज़ देखता हूँ या जितनी चीज़ें देखता हूँ, कहते हैं अश्लीलता बहुत है, जबकि वो हर जगह है। ऐसा नहीं है, बोल्ड फिल्में बॉलीवुड में भी बनती हैं, हॉलीवुड में भी बनती हैं, ए सर्टिफिकेट के साथ भी बनती हैं, और कम कपड़ों में लोग वहाँ भी घूमते हैं। तो अभी तो बताऊँ, फिल्मों में अब तो अश्लीलता की बात इसलिए नहीं रह गई कि फिल्मों के लिए बहुत खूबसूरत सा ये, मतलब जो सेंसर बोर्ड का इवन डिसीजन है, कई शब्द ही नहीं आने दे रहे हैं। और जब से विवाह पिक्चर आई है, मुझे लगता है नहीं, विवाह 1 विवाह 3 जो आपकी शूट करके, जो हमने, हम मिले भी थे उसके लिए अयोध्या में 1 की, और उसके बाद फैमिली फिल्मों का एक बहुत बड़ा हुजूम ट्रेंड शुरू हो गया। सिर्फ हम ही लोग नहीं, मैं तो शुरू से फैमिली फिल्म बनाता रहा। आज की तारीख में मुझे लगता है जो भी बना रहे हैं, या इवन जो एक्टर भी काम कर रहे हैं, फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एल्बम्स, तो जो फिल्म है वो पूरी तरह पारिवारिक उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि अब चैनल खरीदने लगा है, तो चैनल खुद ही उन फिल्मों को नहीं ले रहा है। तो अच्छी बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है, गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी। और अगर हो चुका है, बिल्कुल चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये भी कहूँगा कि उनके आने से जो हम लोग सोचते थे वो, कई सारे ऐसे शब्द, कई सारी ऐसी चीज़ें, जब मैं खुद भी आया ना इसमें, तो चूँकि पढ़ाई लिखाई बॉम्बे में हुई थी, वहाँ ना, तो अब क्या होता है कि वो हम भी जो नहीं बनाना चाहते थे ना, वो कई बार मजबूरी होता था कि चलो ये, अरे गाना तो मस्ती वाला रखना है, काट कूट करके। जैसे मुझे याद है एक सीन था मेरी पिक्चर में दीवाना में ही, कि वो हीरोइन आती तनतना के, तो मेरे निर्माता ने लिखवाया था सीन कि भाई वो हीरोइन आएगी और माँ पूजा का थाल लेके निकलती और पड़ाक करके हाथ मारती, पूजा के थाल पर उड़ जाता है। तो मैंने कहा ये गुस्सा करने का, पूजा का थाल ही क्यों उड़ाना है भाई। एक तो मैं खुद ब्राह्मण आदमी हूँ, पांडे मेरा सरनेम है, और मैं कोई भी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, और मैं अपने कल्चर को पूरी तरह जानता हूँ, या जिस भी कल्चर में मेरा जन्म हुआ है, मैं उसके खराब को क्यों दिखाऊंगा। या मैं इवन किसी भी धर्म की अगर बात होती तो भी मैं नहीं दिखाता। मैंने कहा इसके गुस्सा को दिखाने का मेरे पास 10 तरीके, बताओ मैं कैसे दिखाऊं। लेकिन हाँ, पूजा की थाल अगर उड़ाना तो मुझे पिक्चर ही नहीं करना है आपकी। मुझे लगता है जो बात कही जाती है ना कि इन दिनों साउथ बड़ा चल रहा है, और एक ही बात कही जाती है क्योंकि वो अपने कल्चर से जुड़े हैं। तो आई थिंक शायद आपकी सक्सेस का भी यही राज है कि आप अपने कल्चर से अभी तक जो है जुड़े हुए हैं, और अभी आप कहते हैं कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो फैमिली फिल्म बनाऊंगा और उसमें गंदगी नहीं हो। क्यों होना अभी चाहिए? आप ये जो फिल्म बना रहे हैं इसमें सारे फेस्टिवल्स दिखा, सारे फेस्टिवल्स हैं इसमें, होली भी है, दिवाली भी है, छठ भी है, तीज भी है, करवा चौथ है, हर फेस्टिवल अग्नि साक्षी में हम लोग दिखा रहे हैं। पूरा यहाँ माहौल एकदम छठ वाला बना हुआ है, हम एकदम कुएं के किनारे बैठ के जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, सीरियस बातें तो हो गई अब, मतलब क्योंकि कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी इंटरव्यू में होनी चाहिए ना, जब बड़े लोग आपके साथ हों, जब मतलब इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हों, तो वैसी बातें नहीं करेंगे तो फिर वो बाद में जो इंटेलिजेंट लोग इंटरव्यू देखेंगे वो कहेंगे यार ये पूछना चाहिए था। yes. अच्छा, चिंटू की एक सबसे बड़ी कमी बताइए और सबसे बड़ी अच्छाई बताइए। चिंटू की सबसे बड़ी कमी क्या बताऊं, सोने की। कितने घंटे सोते हैं? अगर शूटिंग नहीं है तो आप जगाते रह जाओ। मतलब फिर तो अच्छा, दूसरे घरों में होता है ना कि बच्चे जो है आपके आए और वो मतलब बाहर खेलने चले गए, या बाहर से बहुत शिकायतें आ रही है कि आपका बच्चा ये तोड़ दिया, वो फोड़ दिया। हमारे बच्चे तो घर ही में रहते थे, वो सीधा कुछ नहीं तो सो जाओ। अब इनको जगाना, आप सोचते होगे बेटा तोड़ ही दे बाहर जाके, कोई खड़ा तो हो बिस्तर से। तो ये खूब सोना है अभी भी, मतलब हाँ शूटिंग नहीं है तो आप 1.5 दिन भी 2 दिन भी। यारी दोस्ती में कहीं बाहर बाहर घूमना नहीं, वो सब कुछ इतना नहीं है, कभी नहीं। वो कभी गए भी तो 1-8 घंटा ऐसे गए। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो, अगर मैं प्रोफेशनल बात करूं तो सिनेमा की बहुत समझ है, परिवार की वैल्यू। मतलब अगर मैं एक दिन, मैं अचानक से दरवाज़ा खोला तो देखा रात के 2:30 बजे 3:45 बज रहे थे, तो ये 3-3 साढ़े 3 साल के पहले की 3 साल हो गए बात है, तब पिताजी हमारे थे। तो देखा पिताजी सोए और लाइट ना, जैसे दरवाजे तो अंदर से हल्की सी लाइट लीक करी, तो मैंने कहा इतनी रात को क्यों लाइट जल रही है। तो मैं गया, धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा पापा लेटे हैं, पापा का पैर दबा रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक एक्टर होते हो, सुपरस्टार होते हो या बाकी, लेकिन घर में हमारे ऐसा कभी माहौल नहीं रहा। ये उतना ही उसी तरह के जो जैसे कॉमन बच्चा होता है, अगर मैं ऐसे भी किया तो सर दबा लेना या पैर दबा लेना या अपने मम्मी का या बहनों का इतना केयर करना, ये फैमिली का, ये बड़ी बात है। और प्रोफेशनली भी अगर बोलेंगे तो सिनेमा और कैमरे की समझ में मैं उसको आपको एक बात दी, अभी मैं बड़ी देर से यहाँ था तो मेरी आदत है मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ चीज़ों को। तो अभी एक शॉट चल रहा था तो उसमें बता रहे थे कि अच्छा इसको तुम एक्ट कर रहे हैं अपना, लेकिन इसको तुम थोड़ा ऐसे कर लो, मतलब तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा सेंस है। और ये देखिए, ये होना चाहिए जब आप कैमरे के बीच, देखिए कैमरा जो है वो दर्शक है, जो कैमरा देखेगा वो दर्शक देखने वाला है। तो आप दोस्त अगर किसको बना रहे हो, आप एक तरफ बोलो कि भाई दर्शक मेरे अपने हैं, तो दर्शक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वो कैमरा कर रहा है, तो आपको कैमरे को दोस्त बनाना पड़ेगा। तो जो एक्टर कैमरे से फैमिलियर होते हैं, ये इवन जो नया जनरेशन है उनके लिए भी बातें होती हैं कि आप फैमिलियर हो जाएं कैमरे के साथ। जैसे आप एक सेल्फी लेते हो ना तो कितना अच्छा सा मुंह बनाते हो ऐसे करके, तो एकदम सुंदर सा मुंह करते हैं। तो जब आप सुंदर सा अच्छा मुंह बनाया, आप देख नहीं पाए, देखिएगा, तो जैसे सुंदर सा मुंह, मैंने देखा है पापा के रील्स, तो पापा भी नए नए अभी पापा को नया नया रील्स बनाने लगा। हाँ, रील्स बनाने, मुझे लगता है सब करना चाहिए जीवन में, जो अच्छा हो वो आपको लाइव रखता है। और पापा के एक्सप्रेशन, पॉजिटिविटी, माशाल्लाह, आप उनके पापा के एक्सप्रेशन देखिए खाली। कभी कभी तो पापा इतने जोश में आ जाते हैं किसी गाने को लेकर कि तेरा ये, मतलब अरे पापा नहीं, तो मैं मस्ती में कंट्रोल, पापा मतलब ये नहीं है वो, मैं अपने पापा से क्या नहीं, मैं इसलिए नहीं, बहुत नेचुरल कई बार इसलिए भी नहीं करता क्योंकि लगेगा यार राजकुमार जी एक्टिंग में लग गए, तो मैं उसको जानबूझ के कि तेरा ये हुस्न, जानबूझ के मजा लेने के लिए बोल दिया, बट बहुत मजा आता है। अच्छा, मम्मी की ज्यादा सुनते हैं, आपकी ज्यादा सुनते हैं? दोनों की, दोनों। फिर भी अगर 19-20 मेरे से थोड़ा डर रहता है, नहीं मम्मी से ज्यादा डर रहता है। अच्छा, मम्मी से आप ज्यादा डरते हैं, पापा ज्यादा डरते हैं? दोनों, ये भी बता दीजिए, दोनों, हम दोनों। घर पे किसका राज चलता है? मम्मी का ही, वन एंड ओनली माय मॉम, मम्मी का ही राज, उन्हीं का चलता है। होम मिनिस्ट्री जो है हमारी वो बहुत सख्त और बहुत ही कड़क, और अगर 4 बार इनका फोन भी बजाएगा किसका फोन आ रहा है, ये तो मम्मियों को रहता है, फोन पे लगा हुआ है, रख दे उसको, किसका फोन आ रहा है, अरे उनको छोड़ो, हमको भी जैसे मुझे मान लो कोई बहुत दर्जन जब देखो तो फोन पर रहता है। मैंने कहा भाई मैं कौन सा काम नहीं करूँ, अरे आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हो गए घर के बाहर, अंदर। एंड मैं आपको बहुत सी बात बताऊँ, ये जो सिनेमा इंडस्ट्री से जो लोग बिलोंग करते हैं वो उनको वाकई में करना चाहिए, जो मेरे पिता ने बहुत एक अच्छा नियम कहा जाए या वो रूल या बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जो सिनेमैटिक, हम जो भी काम करें, जो भी कार्य, जो भी बातें भी हो, इवन जो गॉसिप्स भी हो या जो बातें भी हो, जो डिस्कशंस भी हो, वो सिर्फ हमारे चौखट के बाहर तक होता है। चौखट के अंदर आप सिनेमा के हो ही नहीं, आप उस घर में नहीं, हो ही नहीं। इवन मेरे दादाजी भी वो डॉक्टर थे और वो उस चौखट के बाहर ही, आपका जो सर्जरी का, जो चीरफाड़ का, जो बातें, वो सब उसके बाहर, अंदर कोई बात, घर में घर की प्रोफेशन की कोई बात नहीं करता, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। मुझे लगता है लास्ट में हमें आपकी हीरोइन की भी तो बात कर लेनी चाहिए जो फिल्म में है, अक्षरा सिंह। वो फिर कहेंगे पूरा इंटरव्यू बाप बेटे पे केंद्रित कर दिया, मेरे बारे में पूछा ही नहीं है। तो वो कैसे आई इस फिल्म में? इसमें जो किरदार है, श्रद्धा किरदार का नाम है, और ये मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये मैंने मुझे लगता है ABP न्यूज़ पे ही मैं बोल रहा हूँ, ये कहानी चिंटू पैदा नहीं हुए थे उस टाइम में लिखी हुई थी, उसके यही तब की कहानी है। तो अभी जब मुझे बनानी हुई तो श्रद्धा जो है 2003 की रजिस्टर स्क्रिप्ट है ये जो बना रहा हूँ मैं, मतलब वो तो रखा हुआ था, फिर 3 में मुझे लगा कि यार रजिस्टर करा लूँ, मैं 10 लोगों को सुनाता रहता हूँ तो कैसा ना हो कोई उठा ले, तो उसको कराई थी, मतलब 3, मतलब मुझे लग रहा है अभी 23 लग रहा है ना, तो 20 साल पहले की रजिस्टर स्क्रिप्ट है राइटर एसोसिएशन की। तो जब उसकी बात आई एक ऐसी लड़की जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है बहू के रूप में, वो मुझे लगा कि अक्षरा वन ऑफ द बेस्ट, और वो उसका जो नहीं स्माइल करना, बहुत पॉजिटिव, उस तरह की चीज़ें और चीज़ों को समझना, तो वो अक्षरा मुझे लगी। और मेरे साथ ऐसा है कि जिस किरदार में जो एक्टर लगता है उसी को लेते हैं, मैं उसको ही बोलता हूँ कि बेटा आप कब फ्री हो तब आप, मैं पिक्चर बनाऊँगा, जब आप फ्री हो तभी बनाऊँगा, भले 6 महीने बाद बनाता हूँ, लेकिन वो आप इस रोल के लायक हो, तो वो करते हैं सभी। जैसे अभी एक फिल्म बनाई मैंने इश्क, उसमें काजल सूटेबल थी, काजल हैं, अभी आगे एक फिल्म बना रहा हूँ आम्रपाली हैं, तो जिसके लायक जो फिल्में होती। सीनियर हैं तो कंफर्टेबल करवा देती हैं कई बार, ऐसा तो नहीं होता कि कौन अक्षरा? हाँ, आपसे कंपैरेटिवली बिल्कुल बिल्कुल। और हम दोनों एक्चुअली, मैं एक बात बताऊँ, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि बेसिकली सिनेमा जगत में आने से पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हाँ, हम दोनों बहुत बचपन में मतलब बचपन में ऑब्वियसली छोटे थे, तो हम दोनों की बहुत सी दोस्ती रही, चूँकि मेरे पिता इस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं और उनके जो माता पिता हैं वो भी सिनेमा जगत से ही हैं, वो एक बहुत ही सशक्त और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। मदर भी बहुत कमाल एक्ट्रेस हैं, मदर नीलिमा सिंह जी बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। हाँ, एंड उनके फादर भी इस फिल्म में फादर भी हैं, विपिन सिंह जी, मतलब बहुत ट्रेमेंडस एक्टर्स। तो ये जो पूरी फैमिली उनकी है, तो उस नाते हम लोग फ्रेंडशिप पहले से रहा है और हम दोनों की जो फ्रेंडशिप रही है वो टिपिकल जो टिपिकल दोस्त होता है ना, अभी भी ये लोग टूटा ही बोलते रहते हैं और बहुत मतलब हम लोग एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा है क्या खुराफात चल रहा है, ये अभी क्या करने वाली है, या अभी क्या बोलने वाली है, वो देख के समझ जाती है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, क्या चल रहा है। अरे कई बार सीन में इतना लाइट हो जाएंगे तो मुझे चलाना पड़ेगा। हाँ सर, ऐसे करके कहती छोड़ो। और हाँ, ऐसा होता है कि सेट पे बहुत सीरियस सीन चला और हम लोग अपने में लगे पड़े, अपनी ही बातें चल रही है हम लोगों की, तब तक पापा का वहाँ से एक माइक पे एक बहुत अच्छा सा एक शुभ जो वाक्य आता है। अच्छा, आप दोनों ने भी साथ में वैसे पहले इंटरव्यू दिया? हाँ दिए, मतलब दिए हैं, लेकिन मतलब अमित वाली बात नहीं थी। अरे यही वाली बात नहीं थी। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और ये बड़ा बाई चांस वाला इंटरव्यू हुआ। एक तो चिंटू हमें बाई चांस मिल गए, फिर हम अकेले कर रहे थे, हमारे पास चिंटू के लिए माइक भी नहीं था, फिर हमने माइक अरेंज किया और बाई चांस बड़ा अच्छा इंटरव्यू। यस यस यस, और बहुत मजा आता है और आपके साथ डेफिनेटली जो लास्ट टाइम। और ये भी कहेंगे कि आपके दर्शक इतने ह्यूज दर्शक हैं जो वाकई एबीपी न्यूज को प्यार करते हैं, लाइक करते हैं। एबीपी न्यूज़, एबीपी लाइव, एंटरटेनमेंट लाइव, हमारे इतना सारा जहां भी एबीपी जुड़ा हुआ है, तो ह्यूज दर्शक हैं और उनको हम लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार, और जो प्यार आप अपने चैनल को देते रहे हैं, ये संख्या बढ़ती रहनी चाहिए और ताउम्र देना चाहिए। बिल्कुल, और चिंटू के साथ मेरा एक और इंटरव्यू भी है जिसमें हमने बड़ी एकदम मैन टू मैन टॉक की हुई है, लड़कियों की भी बातें की हुई हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा। कह रहे हैं पापा के सामने नहीं। थैंक यू, इन्होंने मुझसे लिंक मांगा है उस इंटरव्यू का। अच्छा, वो लिंक पता नहीं कहां, बहुत वायरल है, आप डालिएगा चिंटू एबीपी न्यूज इंटरव्यू या एंटरटेनमेंट लाइव इंटरव्यू, आपको मिल जाएगा। मुझे इसके बाद भी इनके साथ शूट करना है प्लीज। थैंक यू सो मच, लवली, थैंक यू सो मच अमित भाई, इट वाज so lovely again coming on ABP Live Entertainment and ABP News. Thank you so much. Love you all. ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए.